कान में पानी चला जाए अगर, या कोई आप कान को जोर से खुजा दे, उसको स्क्रैच कर ले, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. और मोस्ट लाइकली फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कैंडिडा एल्बाइकन्स है, एस्परजिलस है, इस तरह के फंगल ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो करते हैं. और ये मेनली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो स्किन होती है वहां पे ग्रो करते हैं, और ये ईयर ड्रम के बाहर होते हैं. ये मेनली उनमें होता है जो स्विमिंग के लिए बहुत कम रेगुलरली जाते हैं, क्योंकि उनके कान में पानी ज्यादा देर तक ठहरता है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी इसके चांसेस बहुत होते हैं. ब्लड में अगर शुगर हाई है तो फंगल इन्फेक्शन उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं. और अगर आप ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जिसमें स्टेरॉइड के साथ आती है कभी कुछ कुछ, तो वो अगर आप रेगुलरली कोई ज्यादा यूज करें तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कान के अंदर. तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी होती है, पानी कान में अवॉइड करना है, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉयडल ड्रॉप्स, और ब्लड शुगर आपको कंट्रोल में रखनी है. जब भी इन्फेक्शन होता है तो एक कान में दर्द से शुरुआत होती है, और कान में इच खुजली होती है, और थोड़ा बहुत कान कान से पानी भी आता है उसमें. तो जब भी कभी ऐसा फील करे आप, कोई भी पेशेंट फील करे, सबसे पहले वो उसको स्क्रैच ना करें. स्क्रैच करने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उसको सबसे पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट को विजिट करें. सबसे पहले तो ईयरबड यूज नहीं करना है. ईयरबड यूज करने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि उससे अगर वैक्स है कान के अंदर तो वो और अंदर पुश हो जाता है, उसकी वजह से और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, पेन बढ़ता है, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कॉटन बड से. और सरसों का तेल तो पुरानी रेमेडी है, आजकल वी डोंट रिकमेंड कि सरसों का तेल डालें. बाकी वही कि अगर कान में दर्द हो रहा है किसी भी वजह, सबसे पहले आप एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर ले सकते हैं, और फौरन जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर को चेकअप कराएं, क्योंकि कान में दर्द होने की कई वजह हो सकती है. फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कान में वैक्स जम जाना, तो तीनों का कंडीशंस का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है. या कान के ईयर ड्रम में इन्फेक्शन होना, वो भी अलग, उसका भी ट्रीटमेंट अलग होता है. उसी हिसाब से मेडिसिन, ईयर ड्रॉप या टैबलेट्स दी जाती है. हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ऑटोस्कोप, उससे हम चेक करते हैं कान को. अगर उसमें फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें व्हाइट व्हाइट फंगल हाइफी बोलते हैं उनको, वो ग्रो करते हुए दिखते हैं, और उसमें व्हाइट और ब्लैकिश स्पॉट्स होते हैं, तो इट इज अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन. उसका ट्रीटमेंट बेसिकली वही, उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है. हमारे पास सक्शन इक्विपमेंट होता है, उससे हम उसको निकाल क्लीन करते हैं, और उसके बाद फिर एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स देते हैं. अगर आप ट्रीटमेंट में डिले करें तो ये अंदर भी जा सकता है कान में, ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, ईयर ड्रम में होल कर सकता है वो, और उसके बाद फिर मिडिल ईयर में भी जाके इन्फेक्शन फैला सकता है. तो मैंने ऐसे भी केसेस बहुत देखे हैं जो उन्होंने डिले किया ट्रीटमेंट, तो कान का ईयर ड्रम जो है वो फट जाता है, और वो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके लिए अक्सर सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है डॉक्टर. ये जनरली स्विमिंग जो फ्रिक्वेंटली करते हैं उनमें बहुत कॉमन है, कि कान में पानी थोड़ा ज्यादा देर रुक जाए तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए. तो स्विमर्स को स्पेशली कॉन्स्टेंट ये प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं. अगर आपके इन्फेक्शन हो रहा है, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आपके इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको ईयर प्लग्स लगा के स्विमिंग करने हैं. और जनरली कुछ लोग होता है जो बहुत प्रोन होते हैं, जिनकी ईयर कैनाल नैरो होती है काफी, तो वो सिर्फ नहाने के बाद भी अगर पानी चला जाए तो उसमें भी उनको पानी फंस जाता है अंदर, और वो उनको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. तो ऐसे लोगों को कान में कॉटन में वैसलीन लगा के, कान में लगा के नहाना है, कान में पानी अवॉइड करना है हर तरह से. और दूसरा वही कि कान को आपको कॉटन बड नहीं यूज करनी है ज्यादा, स्क्रैच नहीं करना है किसी भी चीज से. आप स्क्रैच करेंगे उससे इंजरी होगी और उससे चांसेस बढ़ेंगे इन्फेक्शन के. और सबसे ज्यादा आपको कुछ लोग जैसे कान में पेन होता है तो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स भी स्टेरॉयड आती हैं वो डाल लेते हैं, ये सोच के कि हाँ कि इन्फेक्शन होगा ठीक हो जाएगा. लेकिन हाँ, उसको अगर आप ज्यादा डालेंगे, 5 दिन से ज्यादा या 6 दिन से ज्यादा, तो वो उससे फंगल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड जो होता है वो इम्यूनिटी कम करता है, और इम्यूनिटी कम करने की वजह से फंगस के इन्फेक्शन होने के चांस बहुत होते हैं. तो सबसे पहले कान में पानी अवॉइड करना आपको, और कान को खुजाना नहीं है बहुत किसी भी चीज से, स्क्रैच नहीं करना है, और तीसरा एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ईयर ड्रॉप्स को आपको इंडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं करना.